गोला प्रखंड के लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भरपूर लाभ मिल रहा है। बता दें कि गोला के सभी पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि आम जनों को सरकारी कार्यालय के चक्कर ना लगाना पड़े। तो यहां पर लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें योजना के तहत एनरोल होने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिल रहा है। साहिबगंज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 104 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, साथ ही लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। साहिबगंज को सीएम की सौगात, करोड़ों की योजनाओं की सौगात। साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने 104 करोड़ से ज्यादा की 14 योजनाओं का शिलान्यास और 9 योजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 21 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं, जिसमे से ज्यादातर आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर 21 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उन 21 लाख में ज्यादातर समस्या का निपटारा भी कर लिया गया और इस योजना, इस सरकार आपके द्वार का ये दूसरा चरण की योजनाओं के माध्यम से जो सावित्री बाई फूले योजना हम लोगों ने बनाया है उससे 9 लाख बच्चियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य हमने रखा है और उसमें अभी लगभग 2.5 लाख आवेदन हमें आ चुके हैं और 2.5 लाख में लगभग 1,25,000 आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। आपकी सरकार आपके द्वार योजना को सरकार सफल बता रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। सीपी सिंह ने कहा है कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जनता को इससे कोई लाभ नहीं, जनता तो घूम रही है भाई, परेशान होकर घूम रही है, मोटेशन नहीं हो रहा है, किसी का जमीन कोई हड़प लिया है उसको सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं, ये चिट्ठी पर चिट्ठी। 14 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चला था, जिसमें 20,30,312 आवेदन मिले थे, जिनमें से 14,69,784 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।